हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रही होगी। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव साइड के लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, अगर आपको पता है कि आपके इस रिश्ते में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो इस वक्त आपके पर्सन की रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स है और इस रोमांटिक थर्ड पार्टी के आपके पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स है, ठीक है? हम देखते हैं क्या निकल के आता है, इनकी लाइफ में करंट में चल के आ रहा है, हम वो भी चेक करते हैं, ठीक है? मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त आपको इस वीडियो को लाइक करना है ताकि एनर्जीज एक्सचेंज हो जाए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करना है, ठीक है? तो देखते हैं सबसे पहले इनकी लाइफ में चल क्या रहा है। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इनके पर्सन की लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, इनकी लाइफ की करंट सिचुएशन बताएं। इनकी लाइफ में करंट में क्या चल रहा है, रोमांटिक थर्ड पार्टी और इनके पर्सन की लाइफ में करंट में क्या चल रहा है, इन दोनों के लाइफ में करंट में क्या चल रहा है। 7 ऑफ वैंड्स है यहाँ पे, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। आप खुद देख सकते हो नेगेटिव कार्ड से। जेमिन, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह धनु राशि के हो सकते हैं। नंबर 10, 20, 30 और 7 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट में हो सकते हैं, ठीक है? 17 और 27 भी। यस, इस वक्त आपके पर्सन अपने मैरिड लाइफ में अपने रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज को फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से ऐसे सवाल कुछ पूछ रहे हैं जिन सवालों के आंसर सिर्फ और सिर्फ जो कि इनके झगड़े बढ़ाने के काम आ रहे हैं, ठीक है? दोनों ही एक दूसरे को आंसर्स के जरिए सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे और जो कि दोनों को एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट है। आपके पर्सन को रोमांटिक थर्ड पार्टी से चीटिंग वाली वाइब्रेशंस आने लगी है, जैसे कि ये इनको धोखा दे रही है, किसी और के साथ कुछ इनका अफेयर वफेयर हो सकता है, या तो पता नहीं मुझसे ये झूठ क्यों बोलती है। इस तरह से आपके पर्सन के थॉट्स इस रोमांटिक थर्ड पार्टी को लेके, और ये रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके पर्सन से सवाल पूछ पूछ के परेशान हो चुके हैं, लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव आंसर्स ही मिल रहे हैं, जिस वजह से दोनों के ही बिहेवियर की वजह से इनका करंट में मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है और दोनों के इमोशंस बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, ठीक है? दोनों ही चाह रहे कि इस रिश्ते में कुछ तो अच्छा हो जाए, लेकिन कुछ अच्छा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है? दोनों ही जैसे कि अपने तरफ से 100% एफर्ट्स लगा रहे हैं रिश्ते को ठीक करने के लिए, ठीक रखने के लिए, लेकिन इनको लगने लगा है कि हमारे एफर्ट्स किसी काम के नहीं हैं, ठीक है? दोनों ही करंट में एक दूसरे के साथ एकदम अनहैप्पी है। अब हम देखते हैं इस वक्त रोमांटिक थर्ड पार्टी के आपके पर्सन के लिए फीलिंग्स क्या है। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। रोमांटिक थर्ड पार्टी के इनके पर्सन के लिए फीलिंग्स क्या है, इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। यस, ये इनसे इस वक्त बात करना चाहती है, इनको बताना चाहती है कि ये कितनी मतलब सैड है इनके इस बिहेवियर की वजह से। जो भी नेगेटिव एनर्जीज इनके घर में हैं, इन दोनों के मैरिड लाइफ में ही, इस नेगेटिव एनर्जीज की वजह से इनको कितना तकलीफ हो रहा है, ये इनको बताना चाहती है कि इनके बिना नहीं खुश रह सकती है, नहीं खुश रह सकते, अगर ये जुदा हो जाएंगे तो इनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। ऐसे कुछ बातें रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बताना चाहती हैं। ये चाह रही इनसे कि ये अपनी शादी निभाना चाहती है, इन दोनों ने जो भी शादी करा है ये कभी भी दिल से इस शादी को तोड़ना नहीं चाहेगी, लेकिन इनको जो डाउट हो रहे हैं आपके पर्सन के ऊपर, क्या वो डाउट सच है? अगर वो डाउट सच होते हैं तो फिर ये चाहकर भी इस रिश्ते में नहीं रुकेगी। इनको 100% डाउट है आपके पर्सन के ऊपर कि इनका कहीं और अफेयर चल रहा है, ठीक है? आप यहाँ पे खुद देख सकते हो, इनको लगने लगा है कि आपके पर्सन इनको मतलब कि धोखा दे रहे हैं। इनको 100% डाउट है कि इनका अफेयर है, ठीक है? शायद ये हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा ब्लेम करते रहते हैं, जो कि आपके पर्सन को पता है कि ये सच है, लेकिन आपके पर्सन इनको बोलते हैं कि तू मुझ पर ब्लेम नहीं कर सकती, तू मुझ पर मेरे कैरेक्टर पर उंगलियाँ नहीं उठा सकती, इस तरह से हैं, और जो कि जिस बात की वजह से इनके बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं करंट में, ठीक है? ये रोमांटिक थर्ड पार्टी जो कि यहाँ से निकलना नहीं चाहती है और जो कि आपके पर्सन को अपना बनाकर रखना चाहती है, इस तरह के एनर्जीज है। अगर हम आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करूँ, ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इनके पर्सन की इस वक्त क्या फीलिंग्स है मेरे यूनिवर्स के लिए, इनके पर्सन की इस वक्त क्या फीलिंग्स है मेरे यूनिवर्स के लिए, इनके पर्सन की इस वक्त क्या फीलिंग्स है रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए, इनके पर्सन की क्या फीलिंग्स है रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए। यस, यहाँ पे 100% आपके पर्सन का कुछ ना कुछ फ़ायदा तो है फाइनेंशियली, ठीक है? इस रोमांटिक थर्ड पार्टी से अगर आपके पर्सन ने आपसे भागकर शादी करी थी, मतलब कि आपको चीट किया था, आपको अंधेरे में रखकर इन्होंने अगर इस रोमांटिक थर्ड पार्टी को स्वीकार किया था, तो उसका मेन रीज़न तो फाइनेंस ही हो सकता है, ठीक है? कुछ पैसों के रिलेटेड आपके पर्सन को फ़ायदा हुआ है,
जिस वजह से इस पर्सन ने जो कि इनका ऑफर स्वीकार किया, उनसे जो कि शादी करी और उस शादी को निभाने के करंट में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन करंट में इस तरह से सोच रहे हैं कि अगर ये सच में इनका जो डाउट है, अगर वो सच है, वो डाउट सच है, अगर इसे ये समझ में आ जाता है तो ये थर्ड पार्टी जो कि इस रिश्ते से सच में चली जाएगी। और अगर ये चली जाती है तो जिस रीज़न की वजह से इन्होंने उनसे शादी करी है, अब आपका पर्सन लड़का है लड़की है जो है, आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन इनका नियत ही ऐसा है, इनका सोच ही ऐसा है, ठीक है, कि अगर ये थर्ड पार्टी चली जाती है, इनकी सच्चाई अगर इनके सामने आ जाती है तो इनका डाउट अगर यकीन में बदल जाता है तो ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को 100% छोड़ के चली जाएगी और उसके बाद आपके पर्सन को लॉस को झेलना पड़ेगा। उसके बाद जो कि आपके पर्सन का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा फाइनेंशियली। आपके पर्सन में ये नहीं बोलूँगी कि गरीब है, इनके पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये भी बड़े अच्छे पोजीशन पे काम कर सकते हैं या इनका बिजनेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा फाइनेंस इनके पास है, फिर भी इनको यहाँ से मिलने वाला फ़ायदा जो कि जाने नहीं देना है, ठीक है। इस तरह के एनर्जी से तो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी से चिपके हुए हैं और अपना फ़ायदा जो कि जाने नहीं देना चाहते। इस वजह से शायद ये पर्सन आपको हमेशा इसी तरह के एनर्जीज देते हैं कि वो थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकते, वहाँ से नहीं निकल सकते, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तकलीफ़ है, ऐसा कुछ आपको बताते रहते हैं, ठीक है। जो कि इनके अंदर लालच बहुत ज़्यादा है, बहुत सेल्फिश है और अपने ही बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अपना फ़ायदा और नुकसान बहुत ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर डेथ का कार्ड भी आया है, ठीक है, इनको लग रहा है ये दिल से चाहते हैं कि ये रिश्ता डेथ नहीं होना चाहिए, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, भले मुझे कितना भी तकलीफ हो रहा है, भले मुझे 10 of Swords वाला पेन हो रहा है, मुझे जो कि मरने वाली एनर्जी इस रिश्ते में आ रही है, ये थर्ड पार्टी के साथ खुश बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इनकी मजबूरी है कि इनको ये रिश्ता निभाना पड़ रहा है। अगर इनके हाथ में होता तो ये कब का ये रिश्ते को तोड़कर आपके पास आ जाते थे, ठीक है, लेकिन ये अपने आप को मजबूर पा रहे हैं इस रिश्ते को तोड़ने में, जो कि कॉन्फिडेंस इनके अंदर नहीं आ रहा है और इनका दिल इनको कह रहा है कि अगर तू ऐसा कोई डिसीजन लेगा तो तू अपनी बर्बादी खुद कर लेगा, ऐसा इनको करंट पे लग रहा है, ठीक है। ये फीलिंग्स है इनकी इस वक्त रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए। अब हम देखते हैं इस वक्त आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, ये इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, ये इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए क्या फीलिंग से दर्शन है यहाँ पे, ठीक है। ये इस वक्त आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और 100% इस रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ आपको बैलेंस करना चाहते हैं। जैसे एनर्जीज आती है वैसे आपके लिए फीलिंग्स भी निकल कर आई है, ठीक है। तो अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।